जय हिंद प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था यूक्लिड की ज्यामिति। आज हम पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, तो वे संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो एक कोण बनाती हैं, जिन्हें हम एंगल कहते हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं, आर्म्स या साइड कहलाती हैं, और यह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहलाता है। समकोण होता है तब कोण का मान 90 डिग्री होता है, यदि अधिक कोण होता है तब 180 डिग्री तथा 90 के मध्य होता है। यदि ऋजु कोण होता है तब कोण का मान 180 डिग्री होता है, तथा यदि प्रतिवर्ती कोण होता है तब कोण का मान 360 व 180 के मध्य होता है। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, तो ऐसे कोण पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यदि कोणों का योग एक रैखिक युग्म हो, तब हम उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब बिंदु पर आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, जिनका मान सदैव बराबर होता है। एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रमेय, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं। N तथा M यदि दो समांतर रेखाएं हैं, तब L यदि एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा है जो इन्हें कट कर रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण हैं 1 तथा 5, 2 तथा 6, 4 तथा 8, 3 तथा 7। इसी प्रकार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एकांतर अंतः कोण 4 तथा 6, 3 तथा 5। सहसंबंधी कोण 4 एंड 5 आर को इंटीरियर एंगल्स सहसंबंधी कोण, 3 एंड 6 आर को इंटीरियर एंगल्स सहसंबंधी कोण। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण 2 तथा 8, 1 तथा 7 बाह्य कोण हैं। आइए अब हम यह प्रश्न देखते हैं। इसमें ए बी एक रेखा है, AOC, COE तथा EOB का जोड़ 180 होगा। AB एक रेखा है तथा O एक बिंदु है, तब बिंदु O पर कोण 180 डिग्री होगा। इस प्रकार एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB का मान 180 होगा। BOD तथा AOC इस प्रकार कोण BOD का मान कोण AOC के मान के बराबर होगा। हमें दिया गया है BOD का मान 40 डिग्री है, अतः AOC का मान भी 40 डिग्री होगा। यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बच्चों, AOC तथा BOE का मान 70 डिग्री है, COE इक्वल टू 180 माइनस 70 होगा। इस प्रकार COE का मान आएगा 110. रेखा AB पर O बिंदु पर कुल मान 180 डिग्री है, तब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। AOC यदि 40 डिग्री है, COE यदि 110 है, तब EOB का मान होगा कोण EOB इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस 110। कोण EOB इक्वल टू 180 माइनस 150। EOB का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है। COE का रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिफ्लेक्स ऑफ COE इक्वल टू 360 माइनस COE। इस प्रकार 360
-110 250 डिग्री रिफ्लेक्स ऑफ COE प्राप्त हो रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों इस चित्र में A, B, C का मान हमें नहीं दिया गया है, परंतु A by B का मान हमें 2/3 के फॉर्मेट में दिया गया है। POY 90 डिग्री है। मान लीजिए लेट X इज अ नंबर, माना कि X एक संख्या है, तब A का मान होगा 2×x तथा B का मान होगा 3×x। यदि X तथा Y एक रेखा है, O बिंदु है, तब यह मान 180 डिग्री होगा। मान रखने पर यहाँ पर तीन कोण है, एंगल X O M प्लस एंगल M O P प्लस एंगल P O Y, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। POY का मान 90 डिग्री दिया गया है। XOM की जगह एंगल XOM के स्थान पर B रखेंगे तथा एंगल YOP के स्थान पर A रखेंगे। मान रखने पर 3x plus 2x plus 90 equal to 180, 3 plus 2 5x equal to 180 minus 90 प्राप्त होगा। x की वैल्यू 5 equal to उधर जाने पर डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, 18 डिग्री हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार a का मान होगा 2×18 तथा b का मान होगा 3×18, 36 डिग्री 54 डिग्री। बच्चों यहाँ हमें C का मान ज्ञात करना है। आइए अब हम रेखा M O N के बारे में देखते हैं। M O N का यह पूरा भाग 180 डिग्री शो कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह भाग B तथा यह भाग C है। इस प्रकार C प्लस B 180 डिग्री होगा। B का मान है 54, C का मान होगा 180 माइनस 54, T का मान 126 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें PQR एक त्रिभुज दिया गया है तथा PQR PRQ के इक्वल है। हमें सिद्ध करना है PQS PRT के इक्वल है। बच्चों यहाँ पर हम दो रेखाएं पहले देखेंगे, ST पर एक बिंदु है Q। Q के लिए हम यह कह सकते हैं कि Q पर पड़ने वाले दो कोण लीनियर पेयर हैं, अर्थात PQS कोण PQS PQR का मान 180 डिग्री है। प्रथम समीकरण दीजिए। पुनः S तथा T के मध्य एक बिंदु R भी है, यह भी लीनियर पेयर की परिभाषा को परिपूर्ण करेगा। अतः PRT प्लस PRQ का मान 180 डिग्री है। इसे द्वितीय समीकरण दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का राइट हैंड साइड 180 डिग्री है। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण को इक्वल करने पर PQS प्लस PQR equal to PQR तथा PRQ दोनों समान है दिया गया है। इस प्रकार यह दोनों कोण कटेंगे। यहाँ पर चूंकि दिया गया है कि PQR का मान PRQ के बराबर है, अतः मान रखने पर कोण PQS का मान कोण PRT के मान के बराबर आएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया गया है x प्लस y का मान w प्लस z के इक्वल है तथा हमें ज्ञात करना है AOB एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है। AOB, if AOB is a line segment, then at O point, AB line linear pair को शो करेगी। लीनियर पेयर को शो करेगी, जिसका अर्थ है कोण का मान 180 डिग्री होगा। बच्चों AOB रेखा में X, Y, Z, W एक साइक्लिक एंगल है, जिसका अर्थ है X प्लस Y प्लस Z प्लस W इक्वल टू 360
360 है। यदि x प्लस y के स्थान पर w प्लस z रखें अथवा w प्लस z के स्थान पर x प्लस y रखें तब x प्लस y प्लस x प्लस y इक्वल टू 360, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, 2 यहां से कॉमन लेने पर x प्लस y इक्वल टू 360, x प्लस y इक्वल टू 360 बाय 2, x प्लस y इक्वल टू 180, जिसका अर्थ है कि बिंदु O पर x तथा y का जोड़ 180 डिग्री है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि AOB एक रेखा खंड है, अतः यह सिद्ध होता है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है OR PQ के परपेंडिकुलर है, जिसका अर्थ है ROQ का मान 90 डिग्री होगा तथा विपरीत स्थिति में POS प्लस SOR का मान भी 90 डिग्री होगा। हमें सिद्ध करना है ROS का मान 1/2 ऑफ QOS माइनस एंगल POS है। देखते हैं बच्चों, रेखा दी गई है PQ, मध्य बिंदु O पर लीनियर पेयर है, अतः एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ का मान 180 डिग्री होगा। SOR ROS एक ही है, अतः हम इसके स्थान पर ROS ले रहे हैं। ROS का मान होगा 180 माइनस ROQ का मान 90 रखेंगे तथा POS मिल रहा है 90 माइनस POS। प्रथम समीकरण दे दीजिए। दूसरी स्थिति देखते हैं, जिसमें R दिया है, O दिया है, S है एंड Q है। यह मान 90 डिग्री है, अतः ROS का मान होगा, यह कुल मान होगा QOS, QOS equal to ROS plus ROQ। इस प्रकार ROS का मान होगा QOS minus ROQ, मान रख दीजिए QOS minus 90। द्वितीय समीकरण दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का मान इक्वल है। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण को जोड़ने पर ROS तथा ROS ट्वाइस ऑफ ROS होगा तथा QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस POS 90 विल बी कैंसल। ROS का मान 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, इस तरह से हमें यह प्राप्त हो रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें AB रेखा CD के समांतर है तथा हमें X व Y का मान ज्ञात करना है। बच्चों, यदि यह दो समांतर रेखाएं हैं और एक ट्रांसवर्स रेखा पास ऑन हो रही है तब एकांतर अंतः कोणों का मान समान होगा। इन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि Y है तब यह एंगल भी y होगा, इसे हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। POT बराबर है POCOQ के, COQ के। आइए अब देखते हैं x का मान। यदि यह रेखा हो जिसमें एक बिंदु O डैश है तथा रेखा का मान P व Q है तब इस पे पड़ने वाला कुल कोण 180 डिग्री होगा, जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। बच्चों, इसमें यह कोण 50 डिग्री है और यह कोण X है, तब हम कह सकते हैं POA प्लस AOO डैश 180 है। इस प्रकार AOO डैश 180 माइनस 50 होगा। POA का मान 50 दिया गया है, मान रखने पर 130 डिग्री AOO डैश X डिग्री का मान ज्ञात हो रहा है। यदि X का मान 130 डिग्री है तब Y का मान भी 130 डिग्री होगा
और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल का मान भी 130 डिग्री होगा। इस प्रकार x का मान 130 डिग्री तथा y का मान 130 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हमें तीन रेखाएं दी हैं, AB समानांतर है CD के, CD समानांतर है EF के, और हमें ज्ञात करना है x का मान, y का मान तथा z का मान। यहाँ पर x का मान तथा z का मान इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मान सदैव बराबर होता है। यदि AB CD के पैरेलल है तथा CD EF के पैरेलल है, तब हम ये कह सकते हैं कि AB इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। इस प्रकार x तथा z भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। माना कि एक अन्य संख्या A है, लेट A इज अ नंबर, देन y का मान होगा 3A एंड z का मान होगा 7a। y तथा x का मान लीनियर पेयर है, अतः z के स्थान पर हम x रख सकते हैं। इस प्रकार x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यह लीनियर पेयर है, इस वजह से इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। z के स्थान पर आप x रख सकते हैं, इस प्रकार x के स्थान पर हम रख रहे हैं 7a, y के स्थान पर रख रहे हैं 3a, 7 प्लस 3 हमारे पास आएगा 10a, 10a इक्वल टू 180, a इक्वल टू 180 बाय 10, 18, x का मान z के मान के बराबर है, जिसका मान है 7a, 7 इंटू 18, तथा y का मान 3a के बराबर है, 3 इंटू 18, 126 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार बच्चे हमें y का मान 54 तथा x का मान 126 प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दो रेखाएं दी गई हैं जो कि समांतर हैं, AB तथा CD। यहाँ से एक ट्रांसवर्स रेखा जारी है जो कि PQ है। यदि यह मान 50 डिग्री है, तब यह मान x का मान 50 डिग्री होगा, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पर a तथा b, c तथा d पैरेलल लाइंस हैं, अतः हम कह सकते हैं कि x का मान 50 होगा। बच्चों यह एक रेखाखंड है AB, जिसमें P एक बिंदु है, तब हम कह सकते हैं कि P बिंदु के लिए इस कोण का मान 180 होगा, जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ पर इस कोण का मान 50 है, इस कोण का मान y है, तथा यह कोण हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार 50 प्लस y 180 में से माइनस होगा। आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें यह एंगल 127 दिया गया है जो कि एक्सटीरियर एंगल है PQR त्रिभुज का। यदि हमने दो रेखाएं इस प्रकार बनाई, AB तथा CD और PQ ट्रांसवर्सल रेखा है, तब यह एकांतर कोण होंगे जिनका मान समान होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यह कोण का मान 50 प्लस y है, अतः यह कोण का मान भी 50 प्लस y होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण APQ तथा कोण QPR इक्वल टू कोण PRD, जिसका मान 127 है। APQ का मान 50 तथा QPR का मान y, इस प्रकार y का मान हो जाएगा 127 माइनस 50, 77 डिग्री y का मान आएगा। अब यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है PQR, जिसमें कोण P का मान 77 डिग्री है, कोण Q का मान 50 है, और हमें कोण R का मान ज्ञात करना है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों एंगल R का मान होगा एंगल R इक्वल टू 180 माइनस P का मान है 77 माइनस Q का मान है 50। इस प्रकार एंगल R का मान होगा 180 माइनस 127, एंगल R इक्वल टू 53 प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें यह सिद्ध करना है AB तथा CD रेखा समानांतर है।
यह ए बी तथा यह सी डी रेखा यदि समानांतर हमको सिद्ध करना है तब हमें यह सिद्ध करना होगा कोण ए बी सी तथा कोण बी सी डी का मान समान है। बच्चों यहाँ पर हमने पी क्यू तथा आर एस रेखा ली है और यह ट्रांसवर्स रेखा बी सी है जिस पर दो लंब खींचे गए हैं एन बी तथा एम सी। यह दोनों कोण अल्टरनेट एंगल्स हैं अतः यह इक्वल होंगे। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं एंगल एन बी सी इक्वल है बी सी एम के। इसे प्रथम समीकरण दीजिए। बच्चों यह याद रखिएगा यदि इंसिडेंस एंगल इक्वल हैं तब उनके रिफ्लेक्स एंगल भी इक्वल होंगे। इंसिडेंस एंगल एन बी सी का रिफ्लेक्स एंगल होगा एन बी ए। देखिए एन बी ए रिफ्लेक्स एंगल है एन बी सी का। इसी प्रकार से एम सी डी रिफ्लेक्स एंगल है बी सी एम का। तब हम बी सी एम के स्थान पर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ बी सी एम अर्थात एम सी डी रखेंगे। इसे द्वितीय समीकरण दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण के अनुसार दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा एन बी ए प्लस एन बी सी जिसका मान ए बी सी है तथा एम सी डी प्लस बी सी एम जिसका मान बी सी डी है। यदि यह दोनों एंगल बराबर हैं तब हम यह कह सकते हैं कि ए बी तथा सी डी रेखा एक दूसरे के समानांतर है। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों इसमें हमें पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर है तब कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर तीनों एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हमारे पास तीनों ही कोण ज्ञात नहीं हैं। आइए एक रेखा लेते हैं। यह एस पी तथा क्यू है। पी पी का यह कोण 135 है तब लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर के लिए आर आर पी एस का मान 135 है। आर पी क्यू का मान क्या होगा आइए देखते हैं। एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर पी एस इक्वल टू 180। आर पी क्यू इक्वल टू 180 माइनस आर पी एस। आर पी एस का मान दिया गया है 135। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 45 डिग्री। यह कोण 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आइए अब हम अगली रेखा देखते हैं। इस रेखा में यह बिंदु Q है। बिंदु Q पर बनने वाला कोण 180 डिग्री है। लीनियर पेयर के परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं यदि यह कोण 110 हो तब यह कोण 180 माइनस 110 होगा। इस प्रकार TQP एंगल TQP प्लस एंगल PQR का मान 180 है। PQR का मान होगा 180 माइनस TQP जिसका मान 110 है 70 डिग्री। इस प्रकार हमें यह मान 70 डिग्री मिल रहा है। अब हम R का मान ज्ञात कर सकते हैं। P का मान हमें ज्ञात हो गया है 45। Q का मान हमें ज्ञात हो गया है 70 डिग्री। त्रिभुज PQR में एंगल P 45 डिग्री एंगल Q 70 डिग्री एंगल R का मान होगा एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 45 माइनस 70 180 माइनस 115 65 डिग्री। आइए बच्चों अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं PQT तथा TQS। त्रिभुज PRT में कोण P तथा कोण R तथा कोण T का एडिशन 180 डिग्री होगा। इस प्रकार एंगल T का मान होगा 180 माइनस P माइनस R। मान रख दीजिए मान रखने पर 45 डिग्री। एंगल टी को हम बोलेंगे एंगल आर टी पी। आर टी पी का मान 45 डिग्री प्राप्त हो रहा है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर
एक रेखा तथा एक तिरछी रेखा यानी ट्रांसवर्स रेखा गई हुई है, और यदि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब उनके एकांतर या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। यदि यह टी है तब यह भी टी होगा। एंगल RTP तथा एंगल QT अल्टरनेट एंगल्स, सो QTR विल बी 45 डिग्री। आइए अब हम अगला त्रिभुज देखते हैं। इन ट्राइंगल TQF 180 डिग्री होगा। मान रखने पर एंगल Q का मान होगा 180 माइनस एंगल T माइनस एंगल S, 180 माइनस 45 माइनस 75, TQS का मान 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है।